हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है, तो 5:15 के करीब का टाइम होगा। तो वही बालकनी में आई हूँ डोर वगैरह ओपन करके। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये जो लाइट रहते हैं ना देखते हुए, बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह सुबह ना ठंडी हवा चलती है और पूरा सारे जगह पर शांति शांति ही रहती है। और मुझे सुबह का ही टाइम बहुत अच्छा लगता है, मुझे मतलब फ्रेश लगता है पूरा दिन, मतलब एनर्जी जैसे रहता है सुबह जल्दी उठे तो, और मेरे काम भी जल्दी हो जाते हैं सुबह। तो अभी यहाँ पे विवान की मैं लंच बॉक्स की तैयारी करूँगी। तो मैंने एक रात पहले सोच के रखी थी कि मुझे क्या बनाना है, तो वैसे ही मैंने कुकर वगैरह साफ़ करके रख दिया था, कल रात को यूज़ हुआ था तो डिश वॉशर में नहीं लगाया था मैंने, तो हाथ से ही धो लिया था क्योंकि उसके पहले ही मैंने डिश वॉशर ऑन कर दिया था, तो फिर कुकर रह गया था, तो इसीलिए मैंने उससे हाथ से ही धो लिया था। तो यहाँ पे करते अभी हस्बैंड की और बच्चे की लंच बॉक्स की तैयारी। तो यहाँ पे मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ। तो पाव भाजी सबको पसंद आती है, बच्चे से लेके बड़ों तक पसंद आती है, और मेरी तो फेवरेट है। तो वही उसकी तैयारी कर रही हूँ, जैसे प्याज है, आलू है, ये सारी चीज़ें जाती है, वेजिटेबल बहुत सारी जाती है इसमें, और बच्चों को तो बहुत पसंद ही आती है। तो एक अच्छा आइडिया है कि बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, लंच बॉक्स के उसके देना है। और आप ना एक दिन पहले भी इसकी तैयारी करके रख सकते हैं, जैसे ये कटिंग वगैरह मैं कर रही हूँ ना अभी, तो एक दिन पहले करके रख सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पे आलू, गाजर, शिमला मिर्ची, कॉलीफ्लावर, ये सब कट करके रखा है ना, तो वैसे आप एक दिन पहले कट करके रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्ची ली है, और जितना सब्जियों को बॉईल होने के लिए पानी लगेगा ना उतना डाल के मैं कुकर लगा दूंगी गैस पे, और 3 से 4 विजिल आने तक ना ये सब्जियाँ पका लूंगी। तो वही आप एक दिन पहले बॉईल भी करके रख सकते हैं वेजिटेबल, या कटिंग भी करके रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये सुबह सुबह करना ही अच्छा लगता है और मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे विवान का दूध भी गर्म हो चुका है, तो अभी मैं चाय वगैरह नहीं बनाऊँगी मेरे लिए, बाद में बनाऊँगी, विवान स्कूल जाएगा तब, मतलब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी तब। और ये देखो विवान के पापा ने मिक्सी जार का करवा के लेके आए, तो मैंने ही बोला था उनको संडे था तो ये लेके जाओ, देखो एक बार क्या है उसका। तो सेम तो स्क्रू नहीं मिला, थोड़ा बड़ा था साइज़ में, लेकिन अच्छा है कि हो गया है, वो पुराना रस्ट वाला नहीं था। तो यहाँ पे प्याज और अदरक लहसुन ये पीस लेते हैं, इसका पेस्ट बनाना है पाव भाजी के लिए। आप ना प्याज कट करके भी डाल सकते हैं सब्जी में, लेकिन इससे पेस्ट बना के डालें ना तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है पाव भाजी की। तो देखो यहाँ पे मैंने प्याज और अदरक लहसुन पीस लिया है, उसके बाद टमाटर लेंगे, और टमाटर बहुत सारे जाते हैं तो आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे टमाटर जाते ही है। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, तो उनको मोटा मोटा करके वही मिक्सर में पीस लेना है, उसका प्यूरे बना लेना है, और आप इसको कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन वही है मुझे ये, मतलब मैं पेस्ट करके ही ये दोनों चीज़ें डालती हूँ, जैसे टमाटर है और प्याज है, तो इससे पाव भाजी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखो सारा चीज़ें रेडी हो चुकी है, वो जो वेजिटेबल थी ना बॉईल करने रख दी थी वो भी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल लिया है, उसमें बटर डालूंगी। तो मैं ज़्यादा करके तेल में ही बनाती हूँ, लेकिन बटर था घर पे तो मैं बटर डालूंगी इसमें। तो थोड़ा तेल लिया है 3 से 4 चम्मच, और 3 जो क्यूब वाले बटर आते हैं ना छोटे वाले पॉकेट वाले जो बोलते हैं उसको, तो 3 डाले उसमें। वो अच्छे से थोड़ा गर्म होने के बाद ना उसमें जीरा और राई डाल देंगे, और ये जो पेस्ट बना के रखी थी ना मैंने प्याज की वो डाल देंगे। और फिर प्याज को 2 से 3 मिनट भुनना है, तो ये जल्दी भुन जाएगा क्योंकि इसका पेस्ट बनाया था ना। और ये बर्तन मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ना, ये पैन, इसमें अच्छे से सब्जियाँ भुनी जाती है, जलती नहीं है, नीचे लगती नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा करके यही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी अभी बॉईल हो चुकी थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि सुबह का मतलब टिफ़िन टाइम पे बनना चाहिए, तो इसलिए मैं भाप निकाल रही हूँ इसकी। तो बहुत ही अच्छे से सब्जियाँ पक चुकी थी आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पे प्याज भी भून चुका है, अभी इसमें कुछ सूखे मसाले वो डालेंगे। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, अंदाज से डालना है, लाल मिर्ची पाउडर है, और इसमें ना जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर रहता है ना वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि सब्जी को कलर आना चाहिए, तो मैंने थोड़ा कम ही डाला है। और इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला डाला है, और उसके बाद तुरंत यहाँ पे जो टमाटर की पेस्ट बनाई थी ना वो डाल देंगे, क्योंकि जो सूखे मसाले हैं ना तुरंत जल जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये टमाटर की पेस्ट डाल दी तुरंत। और उसमें थोड़ा नमक डालूंगी अभी टमाटर के पेस्ट में, क्योंकि टमाटर पकने में मतलब जल्दी पकेंगे, तो थोड़ा ही डालूंगी टमाटर के हिसाब से। तो बस अच्छे से सबको मिला के ढक के मैं पकाऊंगी 4 से 5 मिनट, जब तक टमाटर अच्छे से पक ना जाए और उसके अंदर का तेल ना निकल के आ जाए।
तो बाकी तब तक यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। और जो सब्जी अभी बॉईल की थी ना, आप आपके पसंद के भी इसमें सब्जियाँ डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास हरे मटर नहीं थे तो इसमें मैंने नहीं डाले, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अभी इसके अंदर की सब्जियाँ अलग करनी है, तो मैं एक बड़े से बाउल में ये सब्जियाँ निकालूंगी, क्योंकि इसका अभी पेस्ट बनाना है, इसको स्मैश करना है। और ये जो पानी बचा हुआ है ना, हम ये सब्जी में यूज़ करेंगे, तो इसको फेंकना नहीं है, तो ये सब्जी में यूज़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक लकड़ी का स्मैशर है, तो इससे मैं ना सब्जियाँ स्मैश कर लूँगी। तो अच्छे से इससे होता है और मैं इससे ही करती हूँ, और अलग से पानी से निकाल के सब्जियाँ स्मैश कर लेती हूँ, मतलब उसको बारीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने सारी सब्जियाँ स्मैश कर ली है, तो इससे जल्दी भी बन जाता है। आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर होगा ना, उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो तब तक ना टमाटर अच्छे से पक चुके थे, तो उसके अंदर का तेल भी मतलब मसाला अच्छे से रेडी है यहाँ पे पाव भाजी का, तो यही चाहिए था। और कलर भी देखो बहुत ही अच्छा आया है। कोई कोई यहाँ पे फूड कलर भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, भले कलर ना आए सब्जी को बाद में, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ घर पे जो सब्जी बनाती हूँ। तो बस अभी थोड़ा ढक के 2 से 3 मिनट होने दूंगी, उसके बाद फिर इसमें जो अभी सब्जियाँ हमने स्मैश करके रखी थी ना वो डाल देंगे। और अभी बहुत ही अच्छे से मसाला भून के रेडी है, और सब खुशबू ना इसकी बहुत अच्छी आ रही थी, और विमान भी उठ चुका है अभी। तो देखो ये सब्जियाँ इसमें डाल देंगे, तो बहुत ही ऐसे इस तरीके से सब्जी बनाए ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप मतलब कोई कोई लोग कुकर में भी बनाते हैं डायरेक्टली, लेकिन मुझे इस तरीके से अच्छी लगती है और विवान को भी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कुकर में नहीं बनाती हूँ। जैसे तड़का वगैरह सब डाल के सब्जियाँ डाल के कुकर में ही सब्जी बना लो, तो इस तरीके से भी बहुत ही अच्छी बनती है। और जो पानी बचा था ना सब्जियों अब बॉयल की थी तब, तो ये मिक्सी जार में लेके इसमें डाल दूंगी, और अभी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। जैसे पाव भाजी तो थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी रहती है, तो इसे उस हिसाब से मैं यहाँ पे पानी डालूंगी, तो थोड़ा पानी और डालूंगी क्योंकि अभी सब्जी और बॉईल होगी। तो देखो इस तरीके से, और बहुत ही मतलब खुशबू अच्छी आ रही थी। और यहाँ पे नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और विवान था यहाँ पे, तो वो बोल रहा था मैं कुछ करूँ क्या, हेल्प माओ, मैं से बोल रहा था सुबह सुबह, मैंने बोला नहीं, लेकिन वही वो चम्मच से वही हिला रहा है। तो बहुत ही अच्छे से अभी बॉईल आने देना है उसको, और ये क्लिप रहेगी मेरे से। इसमें मैंने डाला था कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी डालनी है, और पाव भाजी मसाला डालना है आधा चम्मच ऊपर से, और एक बॉईल दो बॉईल आने तक सब्जी को अच्छे से पका लेना है। तो रेडी है हमारी यहाँ पे पाव भाजी, आप देखो बहुत ही अच्छे से बन के मतलब दिखने में ही दिख रही है। और हरा धनिया डाल देंगे इसमें। वैसे घर पे खाते हैं तब पाव भाजी तो हम ऊपर से हरा धनिया लेते हैं जब सर्व करते हैं तब, लेकिन अभी ये टिफ़िन में जाने वाली, तो इसलिए मैंने पहले ही इसमें हरा धनिया डाल दिया है। तो बस अभी एक बाउल में निकाल के ठंडा करने के लिए रखूँगी, क्योंकि विवान को देना है टिफ़िन में, और मैं तो गर्म चीज़ें नहीं पैक करती हूँ टिफ़िन में, तो इसलिए ठंडा करने के लिए उसके लिए निकाल दूँगी, और विवान के पापा को भी मैं उनके ऑफिस के टिफ़िन बॉक्स में भी निकाल दूँगी, तो मेरे हस्बैंड भी यही लेके जाएंगे टिफ़िन में। और ये देखो बटर का एक जो क्यूब आता है ना वो इसमें डाल दूंगी, क्योंकि गर्म गर्म रहेगा ना तो मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। और ये है पाव, तो पाव भी मैं गर्म कर लूँगी, और मैं बटर में गर्म नहीं करती हूँ पाव, तो ये नाइफ देखो, ये नाइफ से अच्छे से कट होते हैं पाव, तो इससे मैं कट कर लूँगी। और ये पाव ना बहुत ही अच्छे है, क्योंकि इसमें जो मतलब कोई कोई पाव रहते हैं उसमें मीठापन ज़्यादा रहता है, तो इसमें इतना नहीं है, बैलेंस हो जाता है। जो पाव भाजी के लिए पाव रहते हैं ना, ये परफेक्ट उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे तवा लिया है और यहाँ पे घी लिया है, तो घी में ही मैं पाव सेकती हूँ, बटर में नहीं सेकती हूँ, क्योंकि घी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पाव भाजी के साथ पाव का, मतलब घी में सेका तो दोनों साइड से घी लगा लगा के अच्छे से पाव को सेक लेना है, और अच्छे सा कलर आने तक उसको सेकना है, और गैस का फ्लेम हाई रखना है। और आप देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है पाव को, तो बस ऐसे अलट पलट के पाव को अच्छे से सेक लेना है। तो घी में आप एक बार ज़रूर सेक के देखना, जब आप मतलब बटर में पाव सेकते होगे ना, तो लेकिन एक बार घी में पाव सेक के देखना, तो टेस्ट बहुत ही अलग आता है और टेस्टी लगती है पाव भाजी। और विवान के पापा के लिए मैं थोड़ा मसाला पाव बनाऊंगी, मसाला पाव मतलब सिर्फ घी लूंगी, उसमें थोड़ा हरा धनिया डालूंगी, और जो पाव भाजी मसाला रहता है ना, तो आधा चम्मच से भी बहुत ही कम डालूंगी, और ऐसे पाव कट करके इसके ऊपर रखूंगी और ऐसे घुमाते जाऊंगी, जैसे मसाला जो भी डाला है ना वो सब जगह पे लग जाए, और ऊपर से घी लगा के ऐसे ही सेकती जाऊंगी। और गर्मा गर्म पाव खाए तो अच्छा है, लेकिन ये टिफ़िन में देने वाली हूँ मैं, तो बस पाव को अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पे रेडी है पाव सेक के, तो बस यहाँ पे टिफ़िन में रख दूंगी, जो मसाला डाल के सेका था ना पाव, तो ये विवान के पापा के लिए,
विवान के पापा को इतना पसंद नहीं है ये पाव वगैरह ब्रेड वगैरह, लेकिन पाव भाजी के साथ है तो वो खा लेते हैं, तो बस उनके लिए रख दूँगी यहाँ पे। और इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो वो कड़क से ऐसे अकड़ से जाते। और यहाँ पे तब तक विवान की सब्ज़ी भी ठंडी हो चुकी थी, तो वही टिफ़िन में उसको डाल दूँगी। और उसको बहुत ही पसंद आती है पाव भाजी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बच्चे के लिए या घर पे बनाना है तो इस तरीके से पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये है विवान का आज का स्कूल का लंच बॉक्स। और ब्रेकफास्ट में है एप्पल, फ्रूटी देती हूँ उसको एप्पल, मतलब ब्रेकफास्ट में जो भी फ्रूट रहता है ना वो देती हूँ, सीजनल वाला, जैसे पपाया देती हूँ कभी कभी, अभी मैंगो का सीज़न था तो मैंगो उसको बहुत पसंद है वो देती हूँ, एप्पल देती हूँ। तो बस यहाँ पे रेडी है विवान का टिफ़िन, तो वही सब अभी विवान के पापा का ही काम रहता है ये कि उसका लंच बैग में ये सारी चीज़ें रख दो। नैपकिन देने पड़ते हैं उसको दो, एक वाटर बॉटल है और एक ब्रेकफास्ट का बॉक्स और एक लंच बॉक्स। तो रेडी है आके यहाँ पे विवान की स्कूल बैग। और मैं थोड़ा गई थी वॉक करने उसको छोड़ने के बाद, तो विवान चला गया है स्कूल और बहुत ही अच्छे अच्छे फूल आए थे लिली को सोसाइटी में। तो यहाँ पे नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली है, फिर अभी जो भी काम रहेंगे वो करूँगी। तो बस पूजा वगैरह होने के बाद सबसे पहला मेरा काम रहता है वॉशिंग मशीन लगा दो, क्योंकि कपड़े धुलने के लिए आधा पौन घंटा तो लगता ही है, तो इसमें बस मैं कपड़े लगा देती हूँ और ये उसका काम चलता रहता है। तो ये जार के अंदर का मतलब उसका जो डिटर्जेंट है वो भी ख़त्म हो गया था, तो इसको भी फिल करना पड़ेगा। तो हर टाइम मतलब चेंज करती रहती हूँ मैं जो भी कपड़े का डिटर्जेंट रहता है वो, और विवान के पापा ही देखते हैं कौन सा ठीक है क्या है, वही मंगा लेते हैं ऑनलाइन। तो देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रीट स्टाइल जो पाव भाजी मिलती है ना वैसे प्लेट बनाई है। तो यहाँ पे है हरा धनिया, नींबू, प्याज, अभी मैंने मेरे लिए पाव सेके थे गरम गरम, और मेरी भाजी और उसके साथ है बटर, और सब्जी को भी मैंने गरम किया था क्योंकि गरम गरम ही पाव भाजी बहुत ही अच्छी लगती है, और उसमें डाला है बहुत सारा बटर। तो ये है यम्मी वाली पाव भाजी। और दोपहर का टाइम था तो जो सुबह के काम थे सारे हो चुके थे, और दोपहर में ना मैं मतलब दोपहर मतलब 4 से 5 बजे का टाइम होगा, तो मैं खाना ही बना रही थी। और खाना बनाते बनाते ही ऐसे होता है मेरा बहुत टाइम, मतलब तभी जाएगा सिलेंडर, जब खाना बनाते तभी तो ख़त्म होगा पता चलेगा। तो वही मैं खाना बना रही थी, कुकर लगाया था मैंने तो ख़त्म हो गया था। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहाँ पे मैं सिलेंडर लेने गई थी मतलब चेंज करने के लिए, इसके पहले वाला जब ख़त्म हुआ था तो वहाँ पे कुछ इंसेक्ट ऐसे कीड़े मुझे काट लिया था फिंगर को, तब से मुझे डर ही लगता है उस कोने में जाने के लिए। तो उन्होंने 2-3 जगह पे घर बना के रखा था, तो आते जाते रहते ही है तो मुझे बहुत डर लगता है फिर से काटना ले, वो घूमते रहते वो पूरे घर में इधर उधर घूमते रहते। तो ठीक है मैंने थोड़ा देख लिया, थोड़ा आगे पीछे कर करके मैंने वहाँ से सिलेंडर निकाल लिया, क्योंकि विवान के पापा तो नहीं रहते इस टाइम घर पे। तो बस मैं अभी सिलेंडर वगैरह चेंज कर लूँगी, और सिलेंडर चेंज करना ये करना उसका जो रेगुलेटर है लगाना मुझे पहले से ही आता है, मतलब मैके में रहती तो ये बहुत सारा मतलब बहुत टाइम मैंने किया है तो मुझे आ ही जाता है वो किस तरीके से करना है किस तरीके से लगाना है। टोटल लास्ट टाइम जो कोई आए थे सिलेंडर देने तो उन्होंने ही लगा के चले गए थे, लेकिन उन्होंने खुद ही अच्छे से नहीं लगाया था, एक बार फायर भी हो चुका था, मतलब गैस पुराने मतलब फ्लैट में रहते थे हम तब, तो वहाँ पे लकड़ी थी थोड़ा मतलब फायर जैसे हुआ था, तुरंत मैंने गैस बंद कर दिया था। तो वही है दूसरे के ऊपर भरोसा भी नहीं रख सकते, तो ये खुद के हाथ की हुई चीज़ें तो बहुत ही सेफ्टी रहती है, तो इसलिए मैं खुद ही लगाती हूँ। तो बहुत टाइम तो विवान के पापा घर पे रहते नहीं, उसी टाइम गैस ख़त्म होता है, तो ये सारी चीज़ें आनी भी चाहिए कि कोई घर पे है नहीं है तब तो मतलब कोई ऑप्शन ही रहता, अपने को ही करना पड़ता है ये काम। तो मुझे तो आता है अच्छे से सिलेंडर लगाना। तो देखो यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाई थी शाम के लिए, क्योंकि सुबह थी पाव भाजी, तो बस मैंने सिलेंडर वगैरह लगा के गैस ऑन कर दिया है और ये जगह पे रख दूँगी। तो और ये एक बार ज़रूर ट्राई करना पाव भाजी, जो जिस तरीके से मैंने बनाई है उस तरीके से बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत तरीके रहते हैं, अलग अलग तरीके से बनती है पाव भाजी, लेकिन ये जो तरीका है ना सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनने वाली सब्जी है। ये व्लॉग कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर मेरे चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।